भी लाएंगे और अपने बाय बाय भी करेंगे। सर आज आपका दिन SN मेडिकल कॉलेज में बस यार टाइम काट रहे हैं और ऑलवेज अप फॉर न्यू एडवेंचर्स। सो बेसिकली व्हाट आई थिंक ना इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कैसे काम करते हो ना इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज अभी तो काफ़ी टाइम बचा है एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी गुड। टुडे इज़ आर सेकेंड डे एंड यहाँ से थोड़ा बहुत अभी जान गए हैं कि क्या क्या होता है लेबर रूम में, बट ये बहुत डिफरेंट है ना एम्स से जो कि गवर्नमेंट एक आपका इंस्टीट्यूट है। बहुत मतलब यार आप खुद समझ जाओगे कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ते हो और फिर आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो बहुत डिफरेंस होता है। बट बिकॉज हम दोनों की स्पेशलिटी ऑप्शन गायनी है और लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिल सकता है। बिकॉज टुडे ओनली वी हैव सीन ऑलमोस्ट 15 डिलीवरीज इन अ डे लाइक विद इन 4 आवर्स। मतलब यू नो जैसे ही हम लेबर रूम में घुसे और 8 लोग वहाँ ऑलरेडी लेटे हुए थे और हम लोग देखते 3 वर इन लेबर 2 वर ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड देन ऑल्सो मदर्स वर कमिंग। यस तो पहले ही मतलब एक लेबर रूम में 8 आपके लिए जगह है और 8ों के 8ों पे पेशेंट लेटी है और समवन आल्सो एक पेशेंट ने डिलीवर कर दिया था बाहर ही सारे बेड ऑक्यूपाइड थे। सब कुछ ऐसे हो गया था शेकी। दिस इज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस नया है इतनी सारी चीज़ें एक ही बार में देखना तो ये काफ़ी अच्छा था। बाकी हमने different cases. One is IUD का केस भी था, वेरी वेरी प्रीटम बेबी का भी केस था जिसको मतलब रेफर नहीं कर रहे थे और मतलब शी देवर लेफ्ट बट देन उसके बाद students took care and they took the initiative और उसके बाद बेबी ने थोड़ा सा उसका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हुआ ठीक हुआ एंड द बेबी वॉज अराउंड 700 grams but still she survived and now she is in NICU and we are very proud of it. Yes. ये लंच टाइम है अभी फिलहाल और हमेशा की तरह मुझे लंच में घूमना पड़ रहा है कि क्या खाया जाए यार। बट जो भी कहो ना जोधपुर में गर्मी ना कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब आप ना जल सकते हो और हम जल चुके हैं एंड टू फाइट अगेंस्ट दैट हीट। यस चीयर्स। सबके ऊपर फाइन लगेगा सी देम। और अभी मैं आपको क्लास के बाहर दिखाती हूँ। कॉलेज में ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अब मुझे जाना है लाइब्रेरी बट आई एम नॉट अलाउड टू वेयर दिस इन टू लाइब्रेरी और इतना सारा काम है। आई हैव अ प्रैक्टिस टीचिंग टुमारो और मुझे उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर करना है और मुझे वहाँ से बुक्स चाहिए, मुझे वाईफाई चाहिए और मुझे सब कुछ चाहिए बट मैं जा ही नहीं सकती। तो होपफुली मैं यहीं पर बैठ के काम करूँगी। अब थोड़ी देर क्लास में आई विल सिट डाउन एंड डू सम वर्क। मे बी शायद आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट इशू करवा कर बुक ले आऊँ इफ़ आई एम नॉट एबल टू सिट नॉट अलाउड टू सिट देयर। और कल से आई विल बी
मैं एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स मैं कल से बिल्कुल डालकर लेके आऊँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक इफ समवन विल सी मी इनटू दिस आउटफिट तो डेफिनेटली मेरी बहुत डांट पड़ेगी. सो यस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज में होने के बाद आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दैट वॉट इज़ योर अटायर, वॉट आर यू वेयरिंग फ्रॉम हेड टू टो. सो यस, ये प्रोफेशनल है एंड ही इज़ वेरी बीइंग वेरी प्रोफेशनल विद चप्पल. गाइस, इतनी गर्मी में मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ. कहते हैं ना, शाम हो या दोपहर या रात हो, जोधपुर विल बी जोधपुर. इसमें कुछ नहीं बदलेगा. मैं अभी बस अपनी स्कूटी उठाऊँगी और मैं सीधे जाऊँगी रूम. सो दिस इज़ एंड ऑफ माय वर्किंग डे, लेट्स जस्ट गो होम. सो गाइस, आई एम बैक टू माय प्लेस एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग योर लव.